नमस्ते, विरासत प्रोग्राम में आप सब लोग के शानदार स्वागत करत हैं जा। आज रात बात करब जा रसोई पर। रसोई या भोजन कक्ष घर के उ कक्ष या भाग के बोलीला जा जेकर में भोजन पकेला। रसोई में प्रायः भोजन बनाए के बर्तन, भोग के सामग्री और अन्य साधन पावल जाला। पुरान समय में घर और रसोई लापाई के रहत रलन। यही कारण रसोई घर के बाहर बनी, जमे से घर में आग ना लगी। आगे की रसोई में फुकनी और चिमटा लियन औजार रहत रलन। फुकनी चूल्हा में आग सुंघाई के काम आवे और चिमटा से अंगोरा पकड़त रलन। तथा जब दुल्हा में बलदामुन या बोमरी भुंजत रलन ता उकरे से पकड़त रलन। पहल के समय में बर्तन मंजुआ रसोई के भीरी रहत रलन। आगे नल अल ना रहल, बाल्टी में पानी भरत रहल। आगे की रसोई में जब राखी भर जा रलन ता उके हर सप्ताह खलियावत जात रहल। पर आज के आधुनिक आवासीय रसोई में आमतौर पर एगो स्टोव, गर्म और ठंडा पानी के एगो सिंक, एगो रेफ्रिजरेटर, मोडर्न बर्तन, माइक्रोवेव, डिशवॉशर और अन्य बिजली के उपकरण पावल जाला। आगे के रसोई में सिर्फ लकड़ी और भूसा से खाना पके पर आज के युग में गैस या व बिजली में भोजन पकेला। पहल के समय में लोग मरमित कढ़ाई देखची उतारे खातिर मार पसवानी के प्रयोग करत रलंजा। पहल के जमाना में हमने के बर्जना लोग कटोरी, गिलास और एल्युमिनियम के थाली में खात रलंजा। पर आज ग्लास और पोसिले के बर्तन के प्रयोग होविला। आगे लोग चूल्हा की राखी से कोको के लपाई से बर्तन मंजात रलंजा। पर आज लिक्विड साबुन और लुंडा के प्रयोग होवेला। आगे लोग रसोई में लालों पेट्रोल के इस्तेमाल करत रलंजा। आज हर प्रकार के बल्ब लगावल जाला। नमस्ते, आज हमनी रसोई पर बात करब जा जोन हमनी के घर के एगो शान है, हमनी के घर के एगो अभिन्न अंग है जहाँ पर हमनी के खाना बनेला। आज के जोन हमनी के किचन बा, नावा किचन और आगे के जोन रसोई रहल, जोन रसोई अभी तू देखत हवा, एकर में जमीन आसमान के फर्क रहल। आज हमनी एकदम आधुनिकतम, एकदम मॉडर्नाइजेशन के ओर बढ़ गल है जा। हमनी के किचन में कौन चीज नहीं बा, कौन नावा अप्लायंस इलेक्ट्रिकल नहीं बा, लेकिन आगे के जन ई रसोई रहल वो एकदम प्रकृति के निकट रहल, प्रकृति से जुड़ल रहल। ई जन रसोई रहल वो बनावल जात रहल या तो लापाई के रहत रहल या फिर लकड़ी के, एकर फर्श गोबर से लिपल जात रहल, चूल्हा भी बनावल जात रहल पत्थर के और ओके भी लिपल जात रहल गोबर से, और यहाँ पर जोन मचान भी बनावल जात रहल ओकर पर भी लकड़ी ही रखल जात रहल। तो ई जोन आगे के रसोई रहल वो एकदम प्रकृति से निकट रहल, प्रकृति से मिलल जुलल रहल। और ई रसोई के अंदर जोन चूल्हा रहल ओकर एगो बहुत ही विशेष स्थान रहल। आज हमनी के किचन में जो अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बा, जैसे कि राइस कुकर, जैसे कि माइक्रोवेव, जैसे कि अलग अलग ऐसा सामान बा, लेकिन एकर सबके जगह एगो चूल्हा लेवत रहल। ई चूल्हा में कौन चीज नहीं सकता करे, इंद्रासन के पकवान पकत रहल ई चूल्हा में। ई चूल्हा लकड़ी के, लकड़ी से जरे और एकर आग इतना तेज रहल कि थोड़े ही घड़ी में आप बहुत ज़्यादा बड़ा तादाद में सबक खाना पका देवे। आगे के जो हमनी के पूर्वज आ रहे जा, जब समय बीतले गल तब परिवार काफ़ी बड़ा बड़ा रहत रहल, एगो परिवार में 9-10 को लड़का रहत रहल। तो ई सब लड़का के, ई सब पूरा परिवार के संयुक्त परिवार रहल, लोग के पालन पोषण खातिर खाना चाहत थोड़े ही घड़ी में बहुत ज़्यादा खाना बनावे के, और ई चूल्हा ई काम बहुत ही अच्छा से करे। और ई भी बोलल गल बा, हमी जोन शोध कर ले है जा आप बुजुर्ग लोग से मिल के ही,
कि कैसे अपन एगो चूल्हा के इस्तेमाल करत रहल जा, तो ई भी जानकारी मिलल बा कि जब सब खाना बन जाए, चटनी आखिर में भूंजा के पिसा जाए, तो गाय के दूध उही राखी के ऊपर, मतलब जो लोहाटी थोड़ा बहुत जरा था ओकर ऊपर रख देबा, तो वो आराम से डबक के वो दूध बुई हो जाए और ई दूध में एगो सोंधा स्वाद आए, जोन स्वाद आज गाज में तू कितनो धीमा आँच में अपन दूध गरम करबा औसन स्वाद नहीं मिली। और फिर दूध में जोन छाली जमत रहल, ई रसोई के जोन चूल्हा रहल, ई चूल्हा में जोन छाली जमे वो आज के गाज में तोहरा नहीं मिली, बस कि गाज में आग है, आग से वो दूध जर ले जाए। लेकिन ई राखी के गर्माहट से और जोन लोहाटी के थोड़ा बहुत आग बा एकर आँच से जोन दूध सोंधा होके पियर हो जाए, जोन छाली बने ओके निकाल के जमा करल जात रहल, और यही रसोई यही चूल्हा में ई छाली से घी निकालल जात रहल। तो ई सब जैसे देखबा एगो चूल्हा के कितना फायदा रहल, कितना कुछ होवे ई चूल्हा में। और जब सब कुछ होगल, ई दूध भी बुई होगल, तो फिर जे पानी के दिन रही, सर्दी के दिन रही, तो फिर बिहान तोरा फिर से चाहे लकड़ी पकावे के, जे लकड़ी थोड़ा भिंजल हो तो ऊ चूल्हा के ऊपर रख देवत रहन जा, रात भर ऊ गर्माहट से ऊ लकड़ी सूख जाए और बिहान फिर से सकबा अपन चूल्हा ऊ लकड़ी से जरावे। और फिर ई चूल्हा में जोन कोयला बच जात रहल, ई चूल्हा में जोन राखी मिलत रहल, ओकर भी इस्तेमाल बहुत ही अच्छा तरीका से होवत रहल। कोयला के इस्तेमाल एक तरफ रेशो में होवत रहल, दूसरा तरफ दांत साफ करे में भी एकर इस्तेमाल होवे, और साथ ही जोन राखी मिले वो राखी से जोन बर्तन करिया हो गल बा, वो जोन कालापन बा वो राखी से ही निकली, साबुन कितना भी डाल ला वो जोन कालापन बा जोन करिखा बा वो नहीं निकली, तो ई राखी वो करिखा सके निकाले। तो ई रहल चूल्हा के महत्व, और ई जान के तोहरा थोड़ा ताजुब होई कि भारत में आज भी ऐसन ही रसोई कितने गांव में बा, ऐसन ही चूल्हा आज भी कितने ही गांव में बा, और ई रसोई के जो ढांचा बा ऐसने ही हूबहू आज भी भारत में मौजूद बा। रसोई के बात चलेला तो एकर एगो विशेष शब्दावली रहल, मतलब ऐसन ऐसन शब्द रहल जेके सुनते ही तोहर सामने उदृश्य चलाई, जैसे कि बोलबा कि ई तकारी बहुत ही लटपट पकल बा, या फिर बहुत चटकार बाटे, या फिर पंछोछर बा। तो ई सब शब्द सुनते ही आप जान जेबा कि पंछोछर के मतलब पानी पानी बा, ओकर में स्वाद के कमती बा, निमक कमती बा, और लटपट मतलब पानी नहीं बा, एकदम सुखल मसाला में लपेटल। चटकार मतलब जब ओकर बात करबा तो मतलब कि काफ़ी जिपिस बाटे, काफ़ी निमक बा। और ये सब पकावे के जो स्वाद रहल वो बर्तन पर बहुत विशेष रूप से आधारित रहल, मतलब कि कौन बर्तन में पकावत हवा तब ये सब जो स्वाद आवेला, जो रूप आवेला उतरेला। और जब बर्तन के बात करत है जा तो अब देखी जा कि कैसन बर्तन में हमने के पूर्वज लोग खात रहलन जा, और कैसे ये जोन बर्तन के इस्तेमाल रहल समय के साथ बदल लेगल। तो शुरू शुरू में फूल के बर्तन इस्तेमाल हुए, फूल के कटोरी, फूल के थारी, फूल के गिलास और फूल के लोटा, फूल मतलब क्वीव। लेकिन आज के क्वीव नहीं, आज के क्वीव जोन शादी ब्याह में भेंट देवल जाला एकर में थोड़ा पानी लगी तो ओकर सूरत ही खराब हो जाला। आगे के जो फूल के बर्तन रहल ओके जितना मंजबा उतना उजस्ती झलके और काफ़ी भारी रहल, जब तोहर रसोई में एगो फूल के बर्तन गिरी तो तोहर आस पड़ोस के सब कोई जान जाए। और शायद यही वजह रहल कि जब घर में बाबा होवे, जब घर में लड़का के जन्म होवे और पुरुष प्रधान समाज रहल, जब बेटा के जन्म हो तब फूल के थारी बजावल जात रहल, और जब बेटी के जन्म हो तो चांदी के थारी बजावल जात रहल, और तोहर पड़ोस के आदमी लोग ई आवाज से ही जान जे अंजा कब फूल के थारी बजता और कब चांदी के थारी। और ऐसे ही लोटा भी रहल, और यही लोटा के इस्तेमाल आज गीत गवाई में होवेला, काहे कि ओकर में एगो झनकार बा और एक चम्मच से बजावल जाला।
और आज भी हमी के जोन गीतारिन हवन जा वो लोग बोले लन जा कि मॉरिशस में जोन हल्का फुल्का लोटा मिला था क्वीव के ओकर से नए सकबा गीत गवाई करे तो वो लोग भारत से मंगवावे लन जा। तो ऐसे देखत है जा कि उस जमाना से भारत से ये सब बर्तन आवे ज़्यादातर और हमी के भारत के जोन बाजार हमी के पोटली के जोन बाजार रहल ओकर में एगो मिनी इंडिया जैसन रहल। यहाँ तोहरा भारत के खाली बर्तन ही नहीं मिली बल्कि जितना जेपिस जितना मेजन के तोहरा ज़रूरत पड़ी भारतीय जेपिस के तो ऊ तोहरा सब हुआ पर मिली हमनी के जोन सेंट्रल मार्केट बा। तो जब फूल के बर्तन के ओकर इस्तेमाल में थोड़ा कमी आल तो ओकर जगह लेलक एमआईए बोल एमआईए लासियत एमआईए गोबले एमआईए और ई भी काफ़ी समय तक इस्तेमाल कर रहल लगभग जिसने 80 तक जब हमें के एवोल्यूशन हुई लेगल तो हमें देखत रही जा कि हमने के दादा दादी के या फिर जो हमें के बड़ा आदमी लोग हवन जा उन लोग के रसोई में तोहरा एमआईए के ही बर्तन मिली और फिर समय के साथ स्टील आए लगल और स्टील के बाद एल्यूमिनियम काले आए। लेकिन जब हमें शोध कर लीजा जब हमें आप बुजुर्ग लोग से सवाल जवाब कर लीजा तो हमें ये भी सुनने में मिलल कि एगो समय रहल काफ़ी गरीबी के समय जब बर्तन के कमी रहल घर में और जोन भी सामान तोहरा मिली ओकर जस्ती से जस्ती इस्तेमाल करल जात रहल मतलब कि जोन बात कौन से आव रहल वो जब खोलल जात रहल तो वो बात कौन से आव फेंकबा नहीं ओके कोनो ना कोनो रूप में ओकर इस्तेमाल करबा चाह पानी पिए में भी एकर इस्तेमाल होवे और ई रहल गरीबी के ज़माना। आज तक हमने के रसोई में एक से बढ़कर एक बर्तन बा चाय पिए खातिर एगो अलग कप बा पानी पिए खातिर अलग कप बा लेकिन आगे के ज़माना में ऐसा नहीं रहल और आज भी हमने अपन रसोई में अपन दादा दादी अपन बर्जन लोग के निशानी रखे के खुशी रही ला जा। मॉरिशस में अपन रसोई बनावे खातिर हमनी के पूर्वज लोग जोन ज्ञान भारत से लेके अयलन जा वही इस्तेमाल करलन जा ज्ञान रहल और साथ में उ लोग के आस पड़ोस में जहाँ उ लोग रहत रहलन जा उ लोग के जोन वातावरण रहल प्रकृति से जोन भी सामान उ लोग के मिले वही से उ लोग अपन रसोई बनेलन जा। ये बहुत ही इत्तेफाक के बात रहल कि यहाँ भी गाय बकरी रहल और उ लोग के गोबर आसानी से मिल जाए और भारत ही की तरह यहाँ भी उ लोग अपन रसोई में गोबर से लिपत रहलन जा दीवार भी गोबर से ही लिपत रहलन जा और रहत रहलन जा शक्कर कोठी में जोन लापाई रहल कान रहल ढट्ठा रहल सब उ लोग इकट्ठा करके अपन मचान छावत रहलन जा अपन छत बनावत रहलन जा और चूल्हा भी जरावत रहलन जा जोन झूरी मिली उ लोग के खेत में जोन सुखल कान रही ढट्ठा जिके बोलत रहलन जा और फिर पेड़ के तक कमी नहीं रहल तो जितना सामान उ लोग के जरूरी ज़रूरत रहल रसोई में उ लोग के आस पड़ोस में ही मिल जात रहल। ई रहल आज के कार्यक्रम उम्मीद है ई कार्यक्रम आपको पसंद आयल होय फिरो मिलब जा शुभ रात्रि नमस्ते।